हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों आज है 10 डेज चैलेंज की लास्ट डे और आज की वीडियो बहुत ही डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोगों के सामने एक हॉरर नोवेल की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूं। इससे पहले मैंने अपकमिंग सीरीज द हॉन्टिंग ऑफ ब्लाई मैनो के नोवेल वाली स्टोरी आप सभी को बताई थी, लेकिन ये वीडियो उस वीडियो से काफ़ी अलग होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आज मैं जिस नोवेल की स्टोरी आपको सुनाऊँगा उसका नाम है हेल हाउस और इस नोवेल को रिचर्ड मैथिसन ने 1970 में लिखा था। इस नोवेल पे बेस्ड एक फिल्म भी आ चुकी है जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ हिल हाउस और वो फिल्म 1973 में रिलीज हुई थी। अब आप यहां पूछ सकते हैं कि वीडियो में डिफरेंट क्या है। दोस्तों ये वीडियो एक पॉडकास्ट होने वाली है जहां आपको स्क्रीन पे एक सिंगल इमेज दिखेगी और आप बस मेरी द्वारा बताई जा रही कहानी को सुनेंगे। मैं इस वीडियो के ऑडियो फाइल की लिंक ठीक 3 दिन बाद अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम पे रिलीज़ कर दूंगा, जिसे आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल फ़ोन में रख सकते हैं और फिर आप उसे ऑफलाइन जब भी मर्जी हो सुन सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक ओल्ड डेज जब हमारी दादी माँ हमें कहानियाँ सुनाया करती थी और हम उन कहानियों को सुनकर अपनी इमेजिनेशन बनाते थे। सो ये वीडियो एक एक्सपेरिमेंट है एंड आई वांट टू सी कि आपको ये पसंद आती है या नहीं। एंड बाय द वे मैंने हेल हाउस के सिर्फ नोवेल पढ़ी है और फिल्म नहीं देख रखा है क्योंकि मैं आपको एकदम रॉ स्टोरी बताना चाहता था। 3 दिन बाद ऑडियो फाइल्स लेने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो सिट बैक, रिलैक्स, क्लोज योर आइज एंड लिसन टू द स्टोरी ऑफ हेल हाउस। तो दोस्तों ये कहानी 1970s में तब शुरू होती है जब एक ड्यूश नामक बूढ़ा इंसान हमारी ज़िंदगी के अस्तित्व और मृत्यु के पश्चात होने वाली चीज़ों के बारे में सोच रहा था। ड्यूश काफ़ी ओल्ड था और उसके पास ढेर सारा पैसा था, इसीलिए वो 3 लोगों को खोजकर उन्हें अपने सवालों का जवाब ढूंढने को बोलता है। इन 3 को 1 हफ्ते में सर्वाइवल और आफ्टर लाइफ के बारे में पता लगाना था और ऐसा करने के लिए इन्हें द मोस्ट इनफेमस हिल हाउस जाना पड़ेगा। ड्यूस के इस काम को करने के लिए इन 3 के पास सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त था, जिसके बाद ड्यूस इन सबको $100,000 देगा। तो इन 3 लोगों में पहले इंसान का नाम था डॉक्टर लायोनेल बैरेट और वो एक पैरासाइकोलॉजिस्ट थे। बैरेट को भूत वगैरह में कोई भरोसा नहीं था और उनके हिसाब से हर एक चीज़ साइंस की मदद से एक्सप्लेन की जा सकती है। बैरेट एक पैर से अपाहिज थे क्योंकि उन्हें पोलियो हुआ था और वो पूरी दुनिया को ये प्रूव करना चाहते थे कि भूत या फिर डीमंस वगैरह नहीं होते हैं। दूसरे इंसान का नाम था फ्लोरेंस टैनर और फ्लोरेंस अपने यंग एज में एक एक्ट्रेस हुआ करती थी। फिलहाल वो एक प्रीस्ट थी और वो स्पिरिचुअलिस्ट होने के साथ साथ एक मेंटल मीडियम भी थी। तीसरे इंसान का नाम बेंजामिन फिशर था और फिशर एकमात्र ऐसा बंदा था जो कि 30 साल पहले 1940 में इस हेल हाउस के अंदर जाकर जिंदा वापस आया था। 1940 में फिशर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिजिकल मीडियम हुआ करता था, लेकिन हेल हाउस के इंसिडेंट्स के बाद वो खुद की पावर्स को यूज़ करना बंद कर चुका था। तो दोस्तों ये 3 ड्यूश के ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए हेल हाउस में जाने के लिए तैयार थे, लेकिन यहाँ ड्यूश के बेटे को ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो डॉक्टर बैरेट को धमकाता है कि वो इन 3 को अपने पिता के पैसे नहीं देगा, लेकिन डॉक्टर बैरेट उसे इग्नोर करते हैं। तो फाइनली वो दिन आ चुका था जब इन्हें हेल हाउस जाना था और यहाँ डॉक्टर बैरेट के साथ उनकी पत्नी एडिथ भी आती है, यानी अब टोटल 4 लोग हो गए थे। और जर्नी के दौरान एडिथ पूछती है कि उस घर का नाम हेल हाउस क्यों पड़ा। इस पर फिशर एडिथ को बताता है कि वो घर एमरिक बेलास्को नामक इंसान का था जिसने इस जगह को एक प्राइवेट हेल जैसा बना रखा था। ये घर एक बहुत ही सुनसान इलाके में स्थित है और यहाँ कोई आता जाता नहीं है। तो फाइनली ये 4 लोग हेल हाउस पहुँच जाते हैं और इस घर के बाहर इन्हें एक काइंड ऑफ वाटर पूल दिखता है। अब जैसे ही ये लोग घर के अंदर जाते हैं, फ्लोरेंस बोलती है कि इस घर को इन लोगों के अराइवल का पता चल चुका है। अब ऑब्वियसली डॉक्टर बैरेट को ये कमेंट पसंद नहीं आती है बिकॉज ही वॉज ए मैन ऑफ साइंस, लेकिन वो इस बात पर चुप रह जाते हैं।
हेल हाउस के कमरे काफ़ी बड़े थे और इस घर के दरवाजे भी बहुत ऊंचे थे। हेल हाउस में एक चैपल भी था, लेकिन यहाँ गॉड को इंसल्ट करने के लिए इंसानों की नंगी तस्वीरें लगी हुई थी। तो जब ये चार लोग इस घर को एक्सप्लोर कर रहे थे तो अचानक एक फोनोग्राफ अपने आप ही बज उठता है और इस फोनोग्राफ से हेल हाउस के ओनर बेलास्को की आवाज़ आती है। इस ऑडियो में एक मैसेज थी जो कि कुछ ऐसी थी, आप सभी का मेरे घर में स्वागत है, यहाँ कोई नियम नहीं है, कोई बंधन नहीं है और आप जैसे चाहे वैसे इस घर में रह सकते हैं, और हाँ, आप जिस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं वो आपको इसी घर में मिलेगी, अनटिल वी मीट अगेन। अब दोस्तों, इस मैसेज को सुनकर सभी लोग एकदम डर गए थे, लेकिन डॉक्टर बैरेट का कहना था कि ये एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज है जो कि बेलास्को अपने हाउस के सभी विजिटर्स के लिए प्ले करता होगा। यह फोनोग्राफ ख़राब है जिस वजह से वो अपने आप ही ऑन हो गई होगी और किसी को भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पर फिशर कहता है कि बेलास्को ये ऑडियो प्ले करके अपने गेस्ट्स को छुपकर देखता था, एंड दिस मेक्स हिम वंडर कि क्या बेलास्को अब भी इन चारों को देख रहा है। तो इसके बाद ये चारों लोग सेटल होते हैं और रात के वक्त फिशर हेल हाउस और उसके ओनर बेलास्को की कहानी बताना शुरू करता है। दोस्तों, एमेरिक बेलास्को अपनी मां नोएल बेलास्को और सैंडलर का नाजायज औलाद था, और चूंकि उसे बचपन में सभी लोग नाजायज बोलकर छेड़ते थे, उसने अपनी मां के सरनेम को ही अपने नाम में जोड़ा। बचपन में बेलास्को ने एक बार एक बिल्ली को सिर्फ इसीलिए मार डाला क्योंकि उसे ये देखना था कि क्या सचमुच बिल्लियों के पास 9 जीवन होते हैं। मरने के बाद जब ये बिल्ली जिंदा नहीं हुई तो बेलास्को ने इस बिल्ली के शरीर को कई टुकड़ों में काट डाला। बेलास्को की माँ उसे ईविल एमेरिक बोलती थी क्योंकि बेलास्को अपनी बहन को भी बहुत मारता था। जब बेलास्को की उम्र 10.5 साल थी तो वो एक प्राइवेट स्कूल में गया जहाँ एक टीचर उसे कई सालों तक सेक्सुअली अब्यूज़ करते रहे, लेकिन जब बेलास्को बड़ा हो गया तो वो इस टीचर को अपने इस हेल हाउस पर बुलाकर इतना टॉर्चर किया कि ये टीचर 7 दिन बाद अपने घर वापस जाकर खुद को फांसी लगा लिए। बेलास्को को लोग रोरिंग जायंट कहते थे क्योंकि वो 6 फिट 5 इंच लंबा था और उसे हर एक क्षेत्र में काफ़ी जानकारी थी, लाइक एथिक्स, रिलीजन, लॉजिक, फिलॉसफी इत्यादि। बेलास्को के पिता बहुत ज़्यादा अमीर थे और वहीं से बेलास्को को ढेर सारी संपत्ति मिली। लोगों का मानना है कि बेलास्को का शायद एक बेटा भी था, लेकिन इस बात की कोई ठोस सबूत नहीं है। तो इनिशियल डेज में बेलास्को कई लोगों को इस घर में वीकेंड पे इनवाइट करता था और वो बड़ी बड़ी पार्टीज ऑर्गेनाइज करता था। लोग यहाँ पार्टी करते थे, गेम्स खेलते थे और उन्हें यहाँ हर तरह की आज़ादी थी। बेलास्को अपने घर के ओपन हॉल में कई लोगों को एक साथ नेकेड इकट्ठा करता था जहाँ ये लोग खाते थे, पीते थे और कोई किसी के भी साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होता था। द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेस वॉज अप्लाइड टू एवरीथिंग। धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी क्योंकि इस घर के लोग कुछ करना ही नहीं चाहते थे और वो लोग एक दूसरे के प्रति हिंसक होने लगे। लोग एक दूसरे को जान से मारने लगे और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं था क्योंकि हेल हाउस बहुत ही आइसोलेटेड जगह पे थी। बेलास्को खुद लड़कियों को अपने प्यार में फंसाता था और फिर वो उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देता था। घर के अंदर कोई नौकर नहीं बचे, लॉन्ड्री सर्विस फेल हो गई और खाने को कुछ भी नहीं बचा, जिस वजह से लोग एक दूसरे को मारकर खाना शुरू कर दिए। घर के कुछ लोगों को निमोनिया हुआ जिस वजह से 13 लोग मारे गए, और इस घर के अंदर वो सारी बेकार चीज़ें हो रही थी जिसे शायद हम सोच भी नहीं सकते हैं। इट लिटरली वॉज अ हेल हाउस। 1929 में जब इस घर के सभी गेस्ट्स गायब हो गए तो इन गेस्ट्स के रिलेटिव्स इस घर को चेक करने आए जहां उन्हें 27 लोगों की लाशें मिली। इन लाशों में बेलास्को की लाश नहीं थी। इस इंसिडेंट के बाद हेल हाउस में कई रिसर्चर्स आए और उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं गया। 1940 में फिशर एक फिजिसिस्ट और स्पिरिचुअलिस्ट के साथ यहाँ आया था और वो सभी लोग भी मारे गए। फिशर किसी तरह हेल हाउस से बच निकला था और आज 30 साल बाद 1970 में वो वापस इस घर के अंदर आया है। इन बातों को सुनकर सभी लोग एकदम चुप हो गए थे, और फ्लोरेंस का मानना था कि इस घर में कई लोगों की इविल स्पिरिट मौजूद है, इसीलिए वो सियोन से प्रक्रिया करने की गुजारिश करती है और सभी लोग इसके लिए तैयार हो जाते हैं। तो सियोन से करते वक्त फ्लोरेंस किसी रेड क्लाउड के स्पिरिट से कॉन्टैक्ट कर पाती है जो कि पहेलियों में बातें कर रहा था। फ्लोरेंस रेड क्लाउड के स्पिरिट के लिए एक फिजिकल मीडियम बन चुकी थी और वो अजीब से आवाज़ में सभी को इस घर से भाग जाने को बोलती है।
फ्लोरेंस को इस हाल में देखकर सभी लोग एकदम कंफ्यूज थे और अचानक वो अपने होश में आती है। फ्लोरेंस का कहना था कि भगवान चाहते हैं कि वो इन स्पिरिट्स के लिए फिजिकल मीडियम बने, लेकिन फिशर वार्न करता है कि हेल हाउस में भगवान की ज़्यादा चलती नहीं है। फिशर की ना सुनते हुए फ्लोरेंस बार बार स्पिरिट से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही थी और इसी दौरान वो एक एंटिटी से कॉन्टैक्ट कर पाती है जो कि फ्लोरेंस से बातें कर रहा था। ये एंटिटी धीरे धीरे फ्लोरेंस से क्लोज होता जा रहा था और फ्लोरेंस का मानना था कि ये एंटिटी बेलास्को का बेटा है। तो अगली रात ये लोग फिर से साथ बैठते हैं, जहां फ्लोरेंस वापस से स्पिरिट्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और इस प्रक्रिया के दौरान फ्लोरेंस का चेहरा एक जवान आदमी के चेहरे में तब्दील हो जाता है। एवरीवन वाज शॉक, लेकिन डॉक्टर बैरेट का कहना था कि ह्यूमन ब्रेन इतनी पावरफुल है कि एक इंसान अपनी फिजिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है और इसीलिए फ्लोरेंस अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए ऐसा कर रही है। तो नेक्स्ट रात डिनर टेबल पे वापस सुपरनैचुरल वर्सेस साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट्स होती है और इन आर्ग्यूमेंट्स के बीच टेबल पे एक पोल्टरजाइज्ड अटैक होता है। डॉक्टर बैरेट बोलते हैं कि फ्लोरेंस ये सब अपने माइंड के पावर से कर रही है, जबकि फ्लोरेंस एकदम कंफ्यूज स्टेट में थी कि आखिर ये सब ऐसा कैसे हो रहा है। इसके अलावा फ्लोरेंस के शरीर पे किसी इंसान के काटने के मार्क्स आ गए थे और बैरेट इसे भी फ्लोरेंस की ही करतूत मान रहे थे। तो उस रात डॉक्टर बैरेट की पत्नी एडिथ स्लीप वॉक करते हुए घर के वाटर पूल के पास जाती है और वो इस पूल में कूदने वाली थी। एन वक्त पे फिशर एडिथ को रोकता है और वो उन्हें होश में लाकर उनकी मदद करता है। दूसरी तरफ फ्लोरेंस को विजन्स आती है जिससे उसे पता चलता है कि एमेरिक बेलास्को का एक बेटा था जिसका नाम डैनियल बेलास्को था और डैनियल की डेड बॉडी इसी घर के सेलर में मौजूद थी। सभी लोग डैनियल की डेड बॉडी को जला देते हैं, लेकिन ऐसा करने से डैनियल की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। फ्लोरेंस डैनियल के स्पिरिट से काफ़ी क्लोज हो चुकी थी और फिशर उसे ऐसा करने के लिए मना कर रहा था क्योंकि ये स्पिरिट मे बी डैनियल होने का नाटक कर रही हो। अपनी बात को प्रूव करने के लिए फ्लोरेंस चैपल में रखी एक बुक दिखाती है जिसमें डैनियल के बर्थ की कन्फर्मेशन थी। डैनियल के स्पिरिट के हिसाब से उसे मुक्ति इसीलिए नहीं मिली क्योंकि उसे अपने जीवन में सच्चा प्यार कभी नहीं मिला और अगर किसी तरह से वो एक औरत के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो जाए तो उसके आत्मा को शांति मिल जाएगी। तो जैसे जैसे समय बीत रहा था फ्लोरेंस के शरीर पे कई चोट के निशान आ गए थे और डैनियल बेलास्को के स्पिरिट का कहना था कि ये सब उसके पिता एमेरिक बेलास्को कर रहे हैं। डैनियल खुद को इनोसेंट बता रहा था और फ्लोरेंस कहीं ना कहीं डैनियल की बातों को मान रही थी। फ्लोरेंस इस बारे में बाकी तीन लोगों को बताती है, लेकिन वो सभी अपने काम में बिजी थे। एडिथ थोड़ा मेंटली अनस्टेबल हो गई थी, जहां वो हमेशा शराब पीती रहती थी। एडिथ के पति डॉक्टर बैरेट अपने न्यू मशीन का इंतज़ार कर रहे थे जिसका नाम रिवर्सर था और इस मशीन की मदद से वो प्रूव कर पाते कि भूत वगैरह नहीं होते हैं। फिशर बस बैठकर तमाशा देख रहा था और वो लिटरली कुछ नहीं कर रहा था। तो एक रात बैरेट की पत्नी एडिथ फिशर के कमरे में जाकर उसके साथ फिजिकली इन्वॉल्व होने की कोशिश करती है। एडिथ अजीब से भारी आवाज़ में बातें कर रही थी और इन सारी घटनाओं को बैरेट देख लेता है, जिससे वो काफ़ी डिस्टर्ब होता है। अगर बैरेट भूत वगैरह में भरोसा नहीं रखता है तो इसका मतलब ये है कि उसकी पत्नी एडिथ उससे सेटिस्फाइड नहीं है, जिस वजह से वो फिशर के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होना चाहती थी या फिर वो एक स्पिरिट द्वारा पजेस्ड है। एनीवेज, कहानी में आगे हमें डॉक्टर बैरेट के रिवर्सर के बारे में पता चलता है, जहां ये मशीन हर एक ईविल स्पिरिट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती थी और डैनियल के स्पिरिट का कहना था कि बैरेट कल ही इस मशीन को चलाकर उसके स्पिरिट को जबरदस्ती मुक्ति दिला देगा। इस बात पे फ्लोरेंस को डैनियल पे दया आता है और वो उसे अपने शरीर के अंदर आने देती है। ऐसा करते ही ये स्पिरिट फ्लोरेंस की बुरी तरह से बलात्कार करता है और वो फ्लोरेंस के शरीर को पजेस भी कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, इस स्पिरिट ने फ्लोरेंस को बेवकूफ़ बनाकर उसके शरीर पे कब्जा कर लिया था और फ्लोरेंस अब ड्यूअल वॉइस में बोलने लग गई थी। फिशर फौरन ही फ्लोरेंस को घर के बाहर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन फ्लोरेंस पजेस स्टेट में उस पर हमला कर रही थी। घर के हॉलवे में फिशर बैरेट को सब कुछ बताता है, लेकिन बैरेट अभी भी इन बातों को बस एक नाटक मान रहे थे। इसके अलावा बैरेट की मशीन तैयार हो गई थी जिसकी मदद से वो सारी ईविल स्पिरिट्स को एक साथ डिस्ट्रॉय कर देंगे। पजेस्ड फ्लोरेंस बैरेट से इस मशीन के बारे में पूछती है और बैरेट हेजिटेट करते हुए अपनी थियरी बताते हैं।
तो दोस्तों बैरेट के हिसाब से हर एक ह्यूमन बॉडी एक तरह की एनर्जी एमिट करती है जिसे हम ऑरा बोल सकते हैं। एक इंसान का ऑरा इतना पावरफुल होता है कि ये मैकेनिकल, केमिकल और फिजिकल इफेक्ट्स क्रिएट कर सकता है, लाइक बैड स्मेल, दूसरे ऑब्जेक्ट्स को हिलाना इत्यादि। जो भी हम डीमंस या फिर विचेस की बात करते हैं वो एक्चुअली इनविजिबल ऑरा ही होती है। इसीलिए फ्लोरेंस जैसी फिजिकल मीडियम चीज़ों को हिला सकती है, ड्यूअल वॉइस में बोल सकती है, क्योंकि ये सब उनके ऑरा की वजह से हो रही है। हर एक लिविंग बींग एक साइकिक एनर्जी छोड़ता है जो कि एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फील्ड क्रिएट करती है। यह हेल हाउस ऐसी ही रेडिएशन की काइंड ऑफ एक बैटरी है जहां बहुत ज़्यादा एनर्जी है। डॉक्टर बैरेट अपनी मशीन रिवर्सर की मदद से इस सारी एनर्जी को ख़त्म कर सकते हैं जिससे सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाएगी। एक बार एनर्जी ख़त्म हुई तो वो वापस नहीं आ सकती, क्योंकि वापस आने के लिए एनर्जीज को लिविंग रेसिड्यू चाहिए होगी। इन शॉर्ट, साइंटिफिक टर्म्स में डॉक्टर बैरेट एनर्जीज को ख़त्म करने वाले थे और स्पिरिचुअल टर्म्स में ईविल स्पिरिट्स को ज़बरदस्ती मुक्ति मिलने वाली थी। ये सारी बात सुनते ही फ्लोरेंस दौड़कर रिवर्सर को तोड़ने की कोशिश करती है और फिशर उसे ऐसा करने से रोकता है। इसके परिणाम अनुसार फ्लोरेंस फिशर के सर पे एक क्रोबार से हमला कर देती है और वो बैरेट को मारने की कोशिश भी करती है। फ्लोरेंस एडिथ के साथ भी ज़बरदस्ती करने की कोशिश करती है और ये सब देखकर बैरेट चिल्लाते हैं, जिससे फ्लोरेंस कुछ देर के लिए अपने होश में आती है। फ्लोरेंस के होश में आते ही बैरेट फौरन ही उसे सिडेट कर देते हैं ताकि वो नींद में ही रहे, और वो फिशर को भी बैंडेज लगाते हैं। इस घटना के ठीक बाद बैरेट ड्यूश को कॉल करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि ड्यूश अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनका बेटा इन लोगों को एक पैसा भी नहीं देगा। इस बात से गुस्सा होकर बैरेट सोचते हैं कि वो एटलीस्ट यहां रहकर अपनी थ्योरी जरूर प्रूव करेंगे। दूसरी तरफ फ्लोरेंस को वापस होश आ गया था और वो फिर से पजेस होने लग गई थी। अपनी पोजीशन को रोकने के लिए वो भाग कर चैपल में जाती है, लेकिन यहाँ तो भगवान की तस्वीर की जगह अभद्र तस्वीरें लगी हुई थी। वो खुद की कलाइयों को एक नेल से कट कर लेती है ताकि वो इस पेन और सफरिंग से दूर हो पाए, और ऐसा करते ही फ्लोरेंस मरने लगती है। मरने से ठीक पहले वो अपने सामने एक इंसानी फिगर को आते देखती है और उसे सब कुछ समझ में आ गया था, लेकिन दोस्तों इट वॉज टू लेट, क्योंकि फ्लोरेंस की वहीं पर मौत हो जाती है। जल्द ही फिशर और बैरेट को फ्लोरेंस की लाश मिलती है, और मरने से पहले फ्लोरेंस ने अपने खून से बी अल्फाबेट लिखा था। फिशर फ्लोरेंस की बॉडी को घर के बाहर लाता है और बैरेट रिवर्सर को घर के अंदर छोड़ के ऑन कर देते हैं। कुछ देर तक ये मशीन चलती है और इसके बाद बैरेट फिशर के साथ वापस घर के अंदर जाते हैं। टू देयर सरप्राइज, ये घर सचमुच इन स्पिरिट से एकदम क्लीन हो चुका था और अब यहाँ किसी तरह की निगेटिव एनर्जीज फील नहीं हो रही थी। फिशर कोशिश करता है कि वो किसी स्पिरिट को फील कर सके, लेकिन इस घर के अंदर अब कोई स्पिरिट बचा ही नहीं था, यानी कि बैरेट की मशीन एकदम सही काम कर रही थी। बैरेट अपनी जीत से बहुत खुश था और फिशर अपनी कार में यहाँ से वापस चला जाता है। कार ड्राइव करते वक्त फिशर सोच रहा था कि अगर बैरेट की साइंटिफिक थ्योरी सच है तो क्या फ्लोरेंस ने सचमुच अपने पॉइंट प्रूव करने के लिए अपनी जान दे दी? क्या सचमुच भूत वगैरह सिर्फ एक एनर्जी होती है जिसे रिवर्सर की मदद से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है? इन बातों को सोचकर फिशर डिसाइड्स कि वो वापस हेल हाउस में जाएगा, और इसीलिए वो अपनी कार आधे रास्ते से मोड़ लेता है। दूसरी तरफ बैरेट इस हेल हाउस में अपनी सक्सेस से काफ़ी खुश थे और वो यहाँ से निकलने के लिए पैकिंग कर रहे थे, तभी अचानक रिवर्सर की सुई अपने आप हिलनी शुरू होती है और धीरे धीरे इस मशीन की रीडिंग 150 के मार्क को भी क्रॉस कर जाती है। नाउ दिस वॉज इम्पॉसिबल, क्योंकि डिस्ट्रॉय की गई एनर्जी वापस रीस्टोर नहीं हो सकती थी, लेकिन ये मशीन अलग अलग तरह की रीडिंग शो करने लग गई थी, जैसे टेम्परेचर लो होना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ना इत्यादि। तभी अचानक एक अदृश्य शक्ति बैरेट को खींचना शुरू करती है और वो उसके शरीर को हवा में इधर उधर फेंकने लगती है। इससे बैरेट के शरीर की कई हड्डियाँ टूट जाती है और ये अनजान शक्ति बैरेट को वाटर पूल में फेंक देती है। पूल के अंदर बैरेट डूब कर मर रहे थे जब उन्हें ऊपर एक इंसानी साया झांकते हुए दिखता है, और इस साया को देखकर बैरेट सब कुछ समझ चुके थे, बट इट वॉज टू लेट, बैरेट की भी वहीं पर मौत हो चुकी थी। नाउ घर के अंदर एडिथ अकेली थी और ये अनजान शक्ति बैरेट का रूप लेकर एडिथ के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होने की कोशिश करती है।
एडिथ वॉज नॉट इन मूड और अचानक ये अनजान शक्ति की फिजिकल अपीयरेंस चेंज होती है और वो एडिथ पे हमला कर देती है। एडिथ भागकर इस घर के पूल के पास पहुंचती है जहां उसके हस्बैंड की लाश फ्लोट कर रही थी और ये देखकर एडिथ यहां से लड़खड़ाते हुए भागने लगती है। भागते हुए एडिथ किसी इंसान के कंधों पर आ गिरती है और ये इंसान और कोई नहीं बल्कि फिशर था। फिशर एडिथ को बचाकर घर के बाहर लाता है एंड देन ही डिसाइड्स कि वो खुद अब इस घर के अंदर जाएगा। घर के अंदर फिशर को कुछ फील नहीं होता है और वो पूरी तरह से कंफ्यूज था कि आखिर ये सब किसकी आत्मा कर रही है। क्या ये बिलास्को की स्पिरिट है, क्या ये डैनियल की स्पिरिट है, या फिर ये ऐसे ही कोई रैंडम स्पिरिट है। फिशर अपने आप को स्पिरिचुअल मीडियम बनाते हुए ओपन करता है और अचानक उसे महसूस होता है कि कोई इसके हाथों को खींच रहा है। यह स्पिरिट फ्लोरेंस की थी और फ्लोरेंस फिशर को चैपल के अंदर ले जाती है। चैपल के अंदर एक किताब के पन्ने अपने आप ही पलटने लगते हैं और फ्लोरेंस इस किताब की एक लाइन पे पॉइंट करती है। यहाँ लिखा था, इफ दाई राइट आई ऑफेंड दी प्लक इट आउट, यानी कि अगर तुम्हें तुम्हारी दाहिनी आंख परेशान करती है तो तुम अपनी आंख को ही नोच निकालो। इसके ठीक बाद इस चैपल में लगी एक वॉलपेपर अपने आप ही फटती है और इस वॉलपेपर के पीछे एक प्लास्टर्ड दीवार थी। तभी अचानक एक अदृश्य शक्ति फिशर पर हमला करती है और फिशर को भी अब सब कुछ समझ आ चुका था। फिशर किसी तरह घर के बाहर जाता है लेकिन उसे पता था कि वो अब मारा जाएगा। वो भी बैरेट की तरह पूल में गिर के डूबने लगता है लेकिन एक इंसान फिशर को डूबने से बचा लेती है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि एडिथ थी और एडिथ फिशर को मरने से बचा ली थी। फिशर बोलता है कि उसे अब सारे सवालों का जवाब मिल गया है और मरने से पहले बैरेट और फ्लोरेंस को इस स्पिरिट ने सब कुछ बता दिया था। इस स्पिरिट ने फिशर को भी सब कुछ ये सोचकर बताया कि ही इज़ अबाउट टू डाई, लेकिन फिशर जिंदा बच चुका है। यह स्पिरिट और किसी की नहीं बल्कि बेलास्को की थी और इस पूरे हेल हाउस को बेलास्को ने अकेले बनवाया था। यह सब बेलास्को का बिछाया हुआ जाल था जहां वो लोगों को अपने बेटे की कहानी सुनाकर बेवकूफ़ बनाता है, जबकि रियलिटी में बेलास्को का कोई बेटा था ही नहीं। इस हाउस में बेलास्को की स्पिरिट के अलावा कोई और स्पिरिट हॉन्ट नहीं करती थी और बेलास्को ही सबको मार रहा था। बेलास्को ने अपने बेटे की झूठी कहानी सुनाकर फ्लोरेंस को अपने जाल में फंसाया और जब फ्लोरेंस ने उसे अपने अंदर आने के लिए अलाउ किया तो बेलास्को ने फ्लोरेंस को बेरहमी से मार डाला। रिवर्सर को भी बेलास्को ही तोड़ना चाहता था और वो इन सब को आपस में लड़वाना चाहता था ताकि ये लोग एक दूसरे को मारने लगे। पर यहाँ एक सवाल अब भी था कि बेलास्को ऐसा क्यों कर रहा है। एडिथ बोलती है कि उसे घर के अंदर से अपने हस्बैंड की कुछ इंपॉर्टेंट बिलोंगिंग्स चाहिए और वो फिशर के साथ वापस घर के अंदर जाती है। फिशर का कहना था कि बैरेट और फ्लोरेंस दोनों की थ्योरी सही है क्योंकि स्पिरिट्स और घोस सच में होते हैं, लेकिन ये सब एक एनर्जी के फॉर्म में हमारी दुनिया में होते हैं। फिशर जोर जोर से बेलास्को के स्पिरिट को अपने सामने बुलाने लगता है और अचानक एक लंबा इंसान काले लिबास में उसके सामने आता है। फिशर बेलास्को की बेइज्जती करना शुरू करता है और वो उसे बहुत भला बुरा कहता है। वो बेलास्को को नाजायज, लूज़र और ढेर सारी इंसल्टिंग बातें बोलता है जिससे बेलास्को की ईगो हर्ट होती है। कुछ ही मिनटों में बेलास्को चिल्लाना शुरू करता है और अचानक वो वहाँ से गायब हो जाता है। फिशर एडिथ को समझाता है कि बेलास्को ये सब सिर्फ खुद को प्रूव करने के लिए कर रहा था। ये दोनों चैपल के एक अंडरग्राउंड रूम में जाते हैं जहां बेलास्को की डेड बॉडी पड़ी थी। इस डेड बॉडी में प्रोस्थेटिक लेग्स थे जिस वजह से बेलास्को 6 फीट 5 इंच लंबा दिखता था। रियल में वो हमेशा एक लूज़र था और उसकी कद भी बहुत छोटी थी। वो खुद को लंबा दिखाने के लिए अपने ही पैरों को काट लिया और उसने अपने पैरों की जगह प्रोस्थेटिक लेग्स लगा लिए जिससे वो लंबा दिख सके। बेलास्को इसी रूम में भूखा प्यासा मारा गया क्योंकि वो दुनिया को ये पता नहीं चलने देना चाहता था कि वो एक बहुत बड़ा लूज़र है। तो जब फिशर ने उसकी सच्चाई जानकर उसे लूज़र बोला, उसकी बेइज्जती करी, तो बेलास्को इस चीज़ को सह नहीं पाया और वो हमारी दुनिया को छोड़कर चला गया। ये सब कुछ बस बेलास्को अपनी ईगो की वजह से कर रहा था। अब यहाँ एक लास्ट क्वेश्चन ये थी कि अगर इस घर के बाकी स्पिरिट्स बैरेट की मशीन से डिस्ट्रॉय हो गए तो बेलास्को की स्पिरिट कैसे बच गई। इसके लिए फिशर बताता है कि बेलास्को की लाश जिस अंडरग्राउंड कमरे में थी वो कमरा लीड के मटेरियल से कवर्ड था जिसके अंदर मशीन की रेडिएशन नहीं पहुंच पाई। यानी कि इतने सालों पहले बेलास्को बैरेट की थ्योरी को समझ चुका था और उसने खुद को बचाने के लिए ही ये कमरा स्पेशली डिज़ाइन किया था। हो सकता है कि मशीन की रेडिएशन थोड़ी सी अंदर आई हो और बेलास्को उससे थोड़ा वीक हुआ हो, लेकिन असल में बेलास्को की कमजोरी उसकी ईगो ही थी। दोस्तों, यहाँ अब सारी गुत्थी सुलझ चुकी थी और ये दोनों इस हेल हाउस से बाहर आ जाते हैं।
हेल हाउस नोवेल की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हॉन्टिंग ट्यूब चैनल की पहली पॉडकास्ट, और आप सभी मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसी लगी। अगर आपके पास कोई सजेशंस या इम्प्रूवमेंट आइडियाज़ है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर मुझे इस वीडियो पर अच्छी रिस्पॉन्स मिलती है तो मैं आगे भी ऐसी पॉडकास्ट लाता रहूँगा जहाँ मैं अलग अलग हॉरर नॉवल्स की कहानियाँ आपको सुनाऊँगा। जल्द ही इस पॉडकास्ट की ऑडियो मैं आपके साथ अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर शेयर करूँगा, जिसे आप डाउनलोड के मोबाइल में ऑफलाइन सुन सकेंगे। सो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।